This poem is a poetic collaboration presented by Shaminaz from India and Nasira from Algeria. Me and the moon. Main aur chand. Me and the moon meet often and discuss things of worldliness of life, circumstances and treacherous people who betray us by showing affection. मैं और चांद अक्सर मिला करते हैं और बातें करते हैं, दुनियादारी की, जिंदगी की, हालातों की और लोगों की दगाबाजियों की जो वो अपना कहकर देते हैं। I feel lighter talking to him as if he is a close one, but do my words reach him? Yes, I think so, because I believe he listens to me and in response bestows its light on me. That comforts me. It seems as if it takes off the burden of my heart. It's completely different feeling beyond the human world, which is spiritual. So it is my soul. My friend Manju calls Moon a counselor and I the companion of my loneliness. मुझे उससे बात करके हल्का महसूस होता है जैसे कोई अजीज हो, और क्या मेरी बातें उस तक पहुंचती है? हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि वह मेरी बातें गौर से सुनता है और जवाब में मुझ पर अपनी रोशनी बिखेर देता है जो मुझे सुकून देती है। ऐसा लगता है जैसे मानो मेरे दिल का बोझ उतार देती हूँ। ये अलग ही एहसास है, इंसानी दुनिया से परे जो रूहानी है, मेरी रूह को पुरसुकून करता है। मेरी दोस्त मंजू चांद को काउंसलर कहती है और मैं इसे तन्हाई का साथी। The sun that inspires me a lot with his light and unique style, but my relationship with him has broken some years ago, but not with the moon, as I feel that I have a never-ending relationship with the moon. सूरज जो मुझे बहुत मुतासिर करता है अपनी रोशनी और अनोखे अंदाज से, पर उससे मेरा नाता बरसों पहले टूट चुका है, पर चांद से नहीं। मुझे ऐसा क्यों लगता है जैसे चांद से मेरा कभी न खत्म होने वाला रिश्ता है। शुक्रिया। मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, ओ हुस्न वालों से अल्लाह बचाए। मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, ओ हुस्न वालों से अल्लाह बचाए। आशिकी कातिलों की गली है, आशिकी कातिलों की गली। I'm